हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हम लोगों का इंग्लिश का, क्लास 12 बिहार बोर्ड। और आज इंग्लिश में लेकर के आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर बच्चों को जानना ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत सारे टीचर जो हैं इसको अलग वे में याद कराते हैं। और अलग वे में याद करने में बच्चों को प्रॉब्लम ये आता है कि बच्चे इसको अलग वे में जब याद करते हैं तो शायद वो भूल जाते हैं। बट मेरा एक कोशिश है कि इस वे में, इस ट्रिक से आप इसको याद करेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। जैसा कि बिहार बोर्ड क्लास 12 में इंग्लिश का जो बुक है हम लोगों का, उसमें प्रोज सेक्शन में टोटल चैप्टर्स 11 है। यहाँ चैप्टर 11 चैप्टर का बात नहीं हो रहा, टोटल चैप्टर्स का हम बात कर रहे हैं कि टोटल चैप्टर्स हमारे पास कितने हैं, 11 हैं। और इस 11 चैप्टर का जॉनर, जॉनर मतलब होता है, हालांकि स्पेलिंग इसका होता है GENRE, जॉनर मीन्स इसको पढ़ते हैं जॉनर, जॉनर मीन्स होता है विधा। विधा का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितने भी 11 चैप्टर हैं, बहुत बच्चों के माइंड में ये सेट रहता है कि प्रोज माने होता है गद्य भाग, गद्य यानी कि कहानी वाला। तो सभी बच्चे क्या सोच लेते हैं कि जितना भी चैप्टर है सभी कहानी ही है। बचपन से ऐसा बच्चों के माइंड में, बहुत बच्चों के माइंड में सेट रहता है कि अगर ये प्रोज है, प्रोज मतलब गद्य अंश होता है, गद्यांश, गद्य वाला भाग, और गद्य खंड में जितने चैप्टर हैं सब कहानी है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये जितने भी 11 चैप्टर हैं सबका कैटेगरी वाइज होता है कि कुछ चैप्टर जो है ऐसे से बिलोंग करते हैं, कुछ चैप्टर हैं स्पीच है, कुछ चैप्टर जो है आपका 11 चैप्टर में स्टोरी है, कुछ चैप्टर आपका जर्नी रिकॉर्ड है, और कुछ चैप्टर जो है आपका ड्रामा है। तो इसको कैटेगरी वाइज करके इसको मैंने यहाँ पर बनाया है, और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैं अभी समझाऊँगा ताकि आपको ये क्लियर हो सके। और इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और आप अपने नोटबुक में इसी को बहुत अच्छे से नोट रेडी करते हैं, तो ये जो नोट्स है आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इस टॉपिक के ज़रिए आपका कम से कम 3-4 नंबर या 5 नंबर मान के चलिए कि घुमा फिरा करके आपसे 5 नंबर का ये क्वेश्चन कर ही देता है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने का तरीका बदलेगा, लेकिन टॉपिक यही रहेगा। टॉपिक क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन का आंसर ईजिली दे सकते हैं। तो हमारे पास है ये प्रोज के टोटल चैप्टर 11, और 11 चैप्टर्स को का जॉनर सीखेंगे। जॉनर माने विधा, विधा मतलब कौन कैटेगरी का क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये हमारा सबसे पहला है ऐसे, ऐसे मतलब कि निबंध। इस 11 चैप्टर में निबंध वाला चैप्टर कौन कौन है इसका यहाँ पर लिस्ट बनाया गया है कि इस 11 चैप्टर में ऐसे वाले जो चैप्टर हैं, टोटल 4 चैप्टर हैं, और चारों का मैंने नाम लिख दिया है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको महात्मा गांधी जी लिखे हुए हैं, वो वाला चैप्टर जो है ऐसे है, निबंध है एक। उसके बाद आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसको बर्टेंड रसल लिखे हुए हैं। आप इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने प्रोज और पोएम को, प्रोज और पोएम के जितने भी राइटर और पोएट्स हैं उनको याद करने का ट्रिक मैंने बताया है लास्ट दो वीडियो में, आप उस वीडियो को भी जा करके देखिएगा। तो आपको वहाँ से 10 नंबर का तैयारी आपका कंफर्म हो जाएगा, 10 नंबर वहाँ से, और यहाँ से आप 4-5 नंबर मान के चलिए, 15 नंबर का तैयारी आपको। मैं मार्क्स वाइज वीडियो बना रहा हूँ ताकि मार्क्स वाइज उसमें ऐड करते जाइए और आपका टोटल तैयारी कंप्लीट हो जाए। तो फाइनली इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को समझ रहे हैं। दूसरा चैप्टर है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो कि ऐसे हैं और इसको लिखे हैं बर्टन रसल ने। तीसरा चैप्टर है अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न में यहाँ पर अ चाइल्ड इज़ बॉर्न को लिखे हैं जर्मन ग्रीर। ये भी चैप्टर जो है ऐसे है, इसको ऐसे वाले कैटेगरी में डाल दिया गया है। उसी तरीके से नाउ फ्री इज़ द प्रेस, नाउ फ्री इज़ द प्रेस जो चैप्टर है इसको लिखे हुए हैं, नाउ फ्री इज़ द प्रेस चैप्टर को कौन लिखे हुए हैं। अगर आप इसका रिवीजन किए होंगे तो आप, मैं हालांकि सबको मैं रिवाइज़ कर करके बताते जा रहा हूं, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को जब मैं बोल रहा हूं तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसके राइटर का नाम मेरे बोलने से पहले आप पहले बोल दें, रिवीजन कर करके। हाउ फ्री इज़ द प्रेस को लिखे हैं डी एल सायर्स ने इसको लिखे हैं। और ये सारा चैप्टर, ये चारों चैप्टर आपको ऐसे वाले में आता है, तो ये ऐसे का, तो अपने आप में आप रिवाइज़ करेंगे, कभी क्वेश्चन को घुमा घुमा के रिवाइज़ करेंगे कि ऐसे में कितने चैप्टर आते हैं, तो ऐसे में 4 चैप्टर आते हैं। दूसरा, 4 चैप्टर जो ये नाम है ये किस किस टाइप का, इसका जॉनर क्या है, इन चारों चैप्टर का जॉनर क्या है। तो आप 11 चैप्टर में चैप्टर को जॉनर वाइज आप छांटेंगे उसी तरह से। अब आते हैं अगला टॉपिक। अगला है हमारा स्पीच, भाषण वाला जो चैप्टर है वो कौन कौन है। भाषण वाला चैप्टर है हमारा भारत इज़ माई होम को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखे हैं, और आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर।
ये दोनों चैप्टर जो है आपका स्पीच में आता है, इसलिए इसको स्पीच वाले कैटेगरी में डाल दिया गया है। और इसको आप नोट्स भी इसी तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है, और इसको रिविज़न करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ताकि एग्ज़ाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी टॉपिक मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ सभी टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए और एग्ज़ाम का तैयारी करते जाइए, अपना एक नोट्स रेडी कीजिए और एग्ज़ाम के टाइम उसको रिवाइज़ कीजिए। स्टोरी में आता है तीन चैप्टर, अ पिंच ऑफ स्नफ, द आर्टिस्ट, द अर्थ। अ पिंच ऑफ स्नफ को मनोहर मालगोनकर ने लिखे हैं, यह स्टोरी में आता है, कहानी है। और द आर्टिस्ट जो है इसको लिखे हुए हैं सिगा नावेया लिखे हुए हैं, और इस चैप्टर के जो ये जो चैप्टर है आपका ये स्टोरी में आता है। उसके बाद द अर्थ है, इसको एच ई बेट्स ने लिखे हैं, एच ई बेट्स, ये भी एक स्टोरी है, और तीनों का नाम और राइटर का भी नाम आपको बता दे रहे हैं ताकि वो भी रिविज़न हो जाए। तो स्टोरी में कौन कौन चैप्टर आते हैं इसको ध्यान में रखना है। देन आफ्टर जर्नी रिकॉर्ड में एक ही चैप्टर है आपका, टोटल आप टोटल को काउंट करेंगे तो 11 हो जाएगा। जर्नी रिकॉर्ड में इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आए, ये एक चैप्टर है जो केवल जर्नी रिकॉर्ड में केवल एक ही चैप्टर आ रहा है, और आपको इसको याद करने का ट्रिक भी बता देते हैं। जर्नी मतलब आदमी कहीं जाता है, यात्रा करता है, और यात्रा जब करते हैं तो उसको यात्री यात्रा करते हैं, यात्रा करने वाले को क्या कहते हैं, यात्री कहते हैं। तो ट्रेवलर से याद आ जाएगा आपको जर्नी से याद आ जाएगा ट्रेवलर से याद आ जाएगा जर्नी। तो इस ट्रिक से भी इसको आप याद कर सकते हैं कि जर्नी रिकॉर्ड में एक ही चैप्टर है, जर्नी वाला बात किस में हो रहा है, तो ट्रेवलर, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आए। और ट्रिक में मैंने बताया था कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई में मैंने बताया था ट्रिक कि एक विदेशी यात्री जो भारत घूमने आया तो उसने क्या देखा कि भारत के लोग जो हैं बहुत ही आलसी हैं, लेजी हैं, पड़े हुए बकबक कर रहे हैं, भाषण देने में लंबा, ज्ञान देने में लंबा, और पढ़ने लिखने में, काम करने में कम, और इसीलिए इसके जो राइटर हैं पावरलेस बक है। मैंने ट्रिक भी बताया था, और ऐसे ट्रिक, सभी चैप्टर के ट्रिक को अगर आप जानना है तो हमारे उस वीडियो के लिंक में आप ज़रूर जाइए और वीडियो को टैप करके देखिए कि मैंने कैसे सिखाया है इस 11 चैप्टर के राइटर को लर्न करने का ट्रिक। बहुत ही दमदार वीडियो है, आप ज़रूर जा करके उसे एक बार देखें। नेक्स्ट है हमारा लास्ट एंड फाइनल ड्रामा। ड्रामा मतलब कि समझ लीजिए एक नाटक टाइप का, जो हम लोग नाटक वगैरह देखते हैं या कोई एक्टिंग किया जाता है उस टाइप का। तो ड्रामा वाला चैप्टर हमारे पास एक ही है, उस चैप्टर का नाम है अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल को, इस चैप्टर को लिखने वाले एंटन चेकअप है। एंटन चेकअप, जैसा कि उस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि इस चैप्टर के राइटर के नाम को कैसे याद करेंगे, जब भी बात शादी का होता है, मैरिज का बात होता है, तो हम लोग प्रपोजल जब प्रस्ताव लेके जाते हैं शादी का किसी के पास, तो मिठाई लेके जाते हैं और मिठाई को चख के जाते हैं कि अच्छा मिठाई लेके जाना है, मिठाई गड़बड़ नहीं हो, इंसल्ट ना हो जाए लड़की वाले के यहाँ या लड़का वाले के यहाँ, है ना। तो इन सारे बातों को ध्यान में रख करके ड्रामा, यानी कि ड्रामा में, ड्रामा चैप्टर में कौन आ रहा है, एक ही चैप्टर आ रहा है, और मैरिज प्रपोजल। तो यहाँ पे मेरा मेन राइटर पे जाना मेरा मेन मुद्दा नहीं है, मेरा मेन टॉपिक है कि मैं जॉनर आप लोगों को समझा रहा हूँ कि 11 चैप्टर को कैटेगरी वाइज कैसे किया गया है, ऐसे में कौन कौन चैप्टर आते हैं, स्पीच में कौन कौन आते हैं, स्टोरी में कौन कौन है, जर्नी रिकॉर्ड में कौन है, और ड्रामा में कौन है। टोटल को आप ऐड कर लीजिए 4, 2, 6, 6, 3, 9, 1, 10, 1, 11, 11 चैप्टर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। 11 चैप्टर का ये जॉनर है, और ये 11 चैप्टर का जॉनर आपको माइंड में हमेशा से रखना है, माइंड में सेट करना है। इसको आप रिवाइज़ कैसे करेंगे, जब आप इसको नोटबुक बनाएंगे आप अपना एक, तो उस नोटबुक को क्या करेंगे, ढक देंगे रिवाइज करके, पढ़ के, याद करके। उसको ढकने के बाद आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये जो हम 11 चैप्टर का जॉनर बनाए हैं, कभी चैप्टर को याद करके जॉनर का कैटेगरी याद करेंगे कि ये चैप्टर किस में आता है, ऐसे में आता है कि स्पीच में, कि स्टोरी में, कि ड्रामा में, कि क्या बोलते हैं, जर्नी रिकॉर्ड में, ये सब सारे चीज़ को ध्यान रखना है। और कभी क्या करना है, ऐसे बोल करके उसमें कौन कौन चैप्टर आ रहा है उसका नाम याद कर लिए। इस तरीके से आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए और आपका 4 से 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट सबको, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जानने के लिए बिहार बोर्ड में, अगर क्लास 12 में आप अच्छा मार्क्स उठाना चाहते हैं तो आप हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। मेरा कोचिंग, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया है, उसका भी लिंक आपको यहाँ पे दे दिया जाएगा कि मेरा कोचिंग कहाँ है और आप हमसे किस प्रकार जुड़ सकते हैं। और ज़रा भी अगर आपको मेरा वीडियो इफ़ेक्टिव लगता हो, दूसरों से अलग, पढ़ाने का टेक्निक अलग और समझाने का टेक्निक अलग, अगर थोड़ा सा भी डिफरेंट लगता हो और अगर आपसे इसको फ़ायदा हो पा रहा है, तो आप हमारे वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए आप अपने फ्रेंड ग्रुप में, जितना भी आपका फ्रेंड ग्रुप है, इंस्टा पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं करिए, ताकि हर लोगों तक ये चीज़ पहुँच सके। ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के लिए मिलते रहिए और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।